नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कृष्णन, प्लास्टिक सर्जन अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर में। आज वर्ल्ड डायबिटिक डे के अवसर पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं डायबिटिक फुट के बारे में, मतलब शुगर के मरीजों में पैर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या समस्याएं आ सकती हैं इसके बारे में, और उनको कैसे आने से रोका जा सकता है। तो ऐसी क्या बातें हैं जो शुगर के मरीजों में अलग होती है आम आदमी से? एक तो यह है कि पैर शुगर के मरीजों का सुन्न रहता है, क्योंकि नसों में दिक्कत होने की वजह से सुन्नपना बन जाता है। तो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर जब पैर में लगते हैं तो दर्द नहीं होता है, तो ये छोटे मोटे घाव नजरअंदाज हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि खून का दौरा आम नॉर्मल आदमी से कम होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी घाव बनता है वो जल्दी भरता नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो अंदर की हड्डियां हैं, जो पैर में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनके सपोर्ट वीक होने लगते हैं, तो वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रेशर पॉइंट्स बोलते हैं जिसको हम, कि जब चलते हैं तो जहां जहां पे वजन पड़ना चाहिए वहां नहीं पड़ता है और दूसरे जगहों पे पड़ने लगता है, जिसकी वजह से घाव बनने का चांस जो है बहुत बढ़ जाता है। तो ये तीन चीजें हैं जिनकी वजह से शुगर के मरीजों के पैरों में तकलीफ होती है। और इन प्रॉब्लम्स को अगर आप शुरुआत में नजरअंदाज कर दें तो ये बहुत भारी साबित पड़ सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे घाव बड़े बन जाते हैं, उनमें मवाद पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या है ऐसे प्रिकॉशंस जिनको हम लेंगे ताकि ऐसे दिक्कत ना आए? सबसे पहली बात तो ये है कि सारे शुगर के मरीजों को अलग टाइप के चप्पल पहनने चाहिए, चप्पल या जूते स्पेशल बनवा के पहनने चाहिए, ताकि जो सोल है वो बिल्कुल नरम होना चाहिए। जो आम जूते हम पहनते हैं उनके सोल काफी सख्त होते हैं, जिनकी वजह से घाव बनने का चांस बढ़ जाता है। तो दूसरी बात यह है कि रोज अपने पैर को खुद देखना चाहिए या फिर परिवार के किसी सदस्य को दिखाना चाहिए, ताकि वो देखें कि कहीं छोटे मोटे घाव तो नहीं बन रहे, खास करके उंगलियों के बीच में। उंगलियों के बीच में जब पसीना या पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है, तो उसे रोज साफ करना है और बिल्कुल सूखा रखना है, और उसमें कॉटन नहीं तो गॉज पीस या फिर कोई सूखा कपड़ा लगा के रखें तो ज्यादा बेहतर है। और तीसरी बात यह है कि जब भी कुछ लगे कि छोटे छोटे घाव बन रहे हैं, तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, इनको बड़ा होने ना दें। ऐसा करने पर आपके पैर भी सुरक्षित रहेंगे और आप लंबे समय तक अपने पैरों पर खड़ा रह पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप सही तरह से फॉलो करोगे तो डायबिटिक फुट या पैर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली की मिठाइयों का आनंद लीजिए और साथ ही साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।